दोस्तों वीटीएससी जेई केस की सुनवाई फाइनल 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में है। तो चलिए इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं जो 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में वीटीएससी जेई का केस फाइनल होगा या नहीं होगा, साथ ही साथ न्यू वैकेंसी के बारे में भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। वीटीएससी जेई के केस स्टेटस हम आपको दिखा रहे हैं जो 3 सितंबर को फाइनल सुनवाई होगी। केस की लिस्टिंग हो चुकी है, साथ ही साथ न्यू वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो वीटीएससी जेई के पुराने वैकेंसी क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। चलिए केस स्टेटस हम आपको चेक करके बता रहे हैं। तो डायरी नंबर से हम यहाँ पर निकालेंगे तो डायरी नंबर है 8824 2023 से ही केस चल रहा है। देख लीजिए डायरी ईयर 2023 सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा डालना है, यहाँ पर कैप्चा इंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे ये खुल के आ जाएगा। आपको देख लीजिए नीचे आ गया, यहाँ पे व्यू करना है और जैसे ही व्यू करेंगे पूरे डिटेल्स में खुल के आ जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं डायरी नंबर 8824/2023 शशिभूषण प्रसाद सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। देख लीजिए हर चीज़ आपको दिया हुआ है। फाइनली केस का लिस्टिंग भी हो चुकी है। तो दोस्तों देख लीजिए 3/9/2024 केस का सीरियल नंबर 94 हो सकता है जो है ना, हमें नहीं लगता है ये 3 तारीख को भी इस पर सुनवाई होगी। बट देख लीजिए यहाँ पर लिस्टिंग हो चुकी है, केस का सीरियल नंबर 94 है। कब सुनवाई होगी सो देख लीजिए 3/9/2024 और सभी लोग बता रहे जो है इस डेट को फाइनल सुनवाई हो जाएगी। बट यहाँ पे केस का सीरियल नंबर ही बहुत ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है उस दिन केस की सुनवाई हो या नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जानकारी हम आपको बता दिए हैं जो 3 तारीख के आप लोग को केस की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। केस का सीरियल नंबर 94 है। चलिए अब न्यू वैकेंसी के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे जो बिहार के अंदर जूनियर इंजीनियर की अभी वैकेंसी निकल के आई है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं न्यू वैकेंसी के बारे में। ये तो आप देख लिए जो सुप्रीम कोर्ट में 3 सितंबर के आप लोग को केस की सुनवाई है। आप वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों निर्णय, नगर विकासों में 443 नई जेई देखिए नियुक्त होंगे। तो चलिए इसमें हम आपको बता रहे हैं शहरों में विकास कार्य कराने हैं मैं अब अभियंताओं की कमी आरे नहीं आएगी। नगर विकास विभाग ने 443 कनीय अभियंताओं की बहाली का निर्णय लिया है। विभाग ने आवेदन भी मांगे हैं। संविदा पर होने वाली इस बहाली के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 सितंबर है। अनुसूचित जाति के लिए 71, अनुसूचित जनजाति के लिए 5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 80, पिछड़ा वर्ग के लिए 53, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 44, गैर आरक्षित वर्ग के लिए 177 और पिछले वर्गों की महिलाओं के लिए 13 पदों पर बहाली होगी। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त अभियंता इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विशेष का देखिए कार्य प्राधिकारी मृत्युंजय कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बहाली के लिए साक्षात्कार 19 सितंबर को होगा। बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद शहरों में विकास कार्य समय से संपन्न कराने में मदद मिलेगी। दरअसल सरकार का जोर शहरी क्षेत्रों में सुविधा बढ़ाने पर है। हालांकि अभियंताओं की कमी के चलते नगर विकास विभाग को योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कत आ रही थी। इसके विकास कार्यों में अनावश्यक देरी हो रही थी। विभाग में इंजीनियरिंग कैडर का गठन होने के बाद भी दूसरे विभागों से अभियंताओं मंगाने पड़ रहे थे, इसीलिए विभाग ने अभियंताओं की बहाली का निर्णय लिया है। बहाली होने के बाद यह कमी पूरी होने की उम्मीद है। वर्तमान में विभाग की ज़्यादातर योजनाएं बुडको और आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के जरिए संपन्न कराई जा रही है, इसलिए बहाल अभियंताओं को एकीकृत शहरी अभियंतरण संगठन बुडको पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार और बिहार शहरी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार में तैनाती होगी। समझ में आ गया? ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है देख लीजिए
विकास की योजनाएं हो रही है संचालित, तो हम आपको बता दिए हैं जो बीटीसी जेई के पुराने वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट में 3 सितंबर को सुनवाई है और उम्मीद जताई जा रही है 3 सितंबर को क्लियर हो जाएगी। बट केस का सीरियल नंबर थोड़ा ज़्यादा है, हो सकता है 3 सितंबर की सुनवाई नहीं भी हो सकती है, ठीक है। और न्यू वैकेंसी जो आई है वो भी हम आपको बता दिए। आप लोग जो कॉल और मैसेज कर रहे थे तो आप लोग को डिमांड हम पूरा किए, जो अपडेट निकल के आई वही हम आपके भी शेयर किए, तो आई होप कि आप लोग समझ गए। अब देखिए 3 सितंबर को सुनवाई होती है तो फिर से हम अलग से वीडियो बना के अपडेट कर देंगे। तो अभी जो अपडेट निकल के आई वही हम आपके बीच शेयर किए इस वीडियो के माध्यम से। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही फिर से जूनियर इंजीनियर की न्यू वैकेंसी कोई भी विभाग में आएगी बिहार के अंदर, हम वीडियो बनाएंगे आपके पास, नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।